खंडवा जिले के मानधाता से राज नारायण ने कहा कि नारायण पटेल के भाजपा में जाने से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरी तैयारी है और उनको इस बार कांग्रेस जरूर हराएगी। ये बात हमेशा बताई बड़े नेताओं को दिल्ली से लगाकर यहाँ तक जिस आदमी का आप दाव खेल रहे हो, यह मूल रूप से बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी नहीं है। और जिस व्यक्ति के कांग्रेस के संस्कार नहीं हैं, उस व्यक्ति से बीजेपी के संस्कार हैं और कांग्रेस में कभी भी नहीं रहेगा, बीजेपी में वापस चला जाएगा। देखना, अभी जो मुहिम है मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की मुहिम, कोरोना का समय है, लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोगों को परेशानी है, लेकिन मंडी लग गई है, बोली लग गई है और खरीदे जा रहे हैं, बिकने वाले बिक रहे हैं। इस कारण ही उपचुनाव की नौबत आई है। चुनाव लड़ने वालों से लड़ाने वाला मजबूत होना चाहिए। इस उपचुनाव में मेरी बहुत बड़ी मजबूत तैयारी है। मुंजी से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। बताई बड़े नेताओं को दिल्ली से लगाकर यहाँ तक कि जिस आदमी पे आप दाव खेल रहे हो, ये आदमी मूल रूप से बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी नहीं है। और जिस व्यक्ति के कांग्रेस के अगर संस्कार नहीं है और जिस आदमी के बीजेपी के संस्कार है, तो वो कांग्रेस में कभी नहीं रहेगा, वो बीजेपी में वापिस चला जाएगा। लेकिन अभी की जो मुहिम है मध्य प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है, कोरोना का समय है, लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोगों को परेशानी है, लेकिन मंडी लग गई है, बोली लग गई है और खरीदे जा रहे हैं और बिकने वाले बिक रहे हैं। इस कारण ये सब उपचुनावों की नौबतें आई है। चुनाव लड़ने वाले से लड़ाने वाला बहुत मजबूत चाहिए, ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में चुनाव लड़ाने की बहुत मेरी मजबूत तैयारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।